सीएए को लेकर हल्द्वानी में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश सीएए विरोध प्रदर्शन को लेकर खुलकर आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो मुझे देशभक्ति ना सिखाएं। और कश्मीर से कोई आया तो उसे पकड़े, अपने को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सीए और एनआरसी का विरोध कर रही है, सभी राजनीतिक दल। मैं ये प्रोटेस्ट को लगातार प्रशासन अब पूरी तैयारी में है कि किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए, तो चाहे बल वो तो उनका था ही 72 घंटे का नोटिस केवल, कल वैसे ही खत्म हो जाएगा वो। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि उनके पिता ने खुद देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और गांधी जी की दांडी यात्रा में चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। इंदिरा ने त्रिवेंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि उनके परिवार से किसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुझे देशभक्ति की भाषा नहीं सीखनी है। मेरे पिता देश की आजादी की लड़ाई के नायक रहे और गांधी की दांडी यात्रा में चोटिल होने से उनकी मृत्यु हुई थी और गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में उनका नाम लिख रखा है कि पाठक जी मेरे अनन्य मित्रों में से एक थे। मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनके परिवार का कौन व्यक्ति देश की आजादी की लड़ाई में लड़ा, देश के लिए उनके घर का कौन व्यक्ति कुर्बान हुआ, इसलिए वो देशभक्ति का पाठ हमें ना पढ़ाए। ऐसा नहीं लग रहा मुख्यमंत्री अहंकार वाली भाषा बोल रहे हैं, सत्ता के नशे में चूर है? अब ऐसा है, देखिए ये सब भाषा जरा मैं संसदीय भाषा ही बोलती हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्हें संभल के बात करनी चाहिए। और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ऐसी भाषा बोलना बिल्कुल असंसदीय है, असंसदीय भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बता दें कि एनआरसी और सीएए को लेकर जहां एक ओर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं इस विरोध की लहर अब हल्द्वानी की ओर बढ़ती नजर आ रही है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर रोक लगा रखी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।